हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक हॉल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ बूट्स के कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इन्हें मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया है एंड सारे के सारे बूट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप एक बूट लवर हैं तो डेफिनेटली आपको मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई आइटम पसंद आने ही वाला है। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगन विद द वीडियो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपने इन बूट्स के साथ एंड दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ड्रेसबेरी। ये टैन कलर में हैं एंड इन्हें मैंने 874 रुपीज़ में परचेज़ किया था, जो कि मुझे इसकी डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। साइड में आपको कुछ ज़िपर क्लोजर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्री है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ज़िप बंद करने के लिए। मटेरियल भी इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल है इसका। बैक में आपको कुछ बेल्ट की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है जो अगेन बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है पहनने के बाद एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है क्योंकि इसमें ज़रा भी आपको हील नहीं मिलती। क्योंकि आपको इसमें हील नहीं मिलती इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिप तो नहीं पकड़ेंगी, बट बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इनको पहन के आप फिसल ही जाएंगे। करूँ अगर मैं नॉइज़ की तो ये लिटिल बिट नॉइजी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। बट आप बूट से ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि बूट्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी रहता है एंड ऑल्सो इनकी जो सोल की मटेरियल रहती है वो भी वुडन रहती है। इस वजह से इसमें आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ सुनने को मिल जाता है। अंदर आपको लिटिल बिट कुशनिंग दी हुई है, इस वजह से भी ये जो बूट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है। अगर आप इन बूट्स को ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनको परचेस कर सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये बूट्स। इसी के साथ मिलता जुलता कुछ ये वाले बूट्स भी हैं मास्टर एंड हार्बर के, आप साइड में देख सकते हैं। ये ड्रेसबेरी की तरह ही थे सेम, बट सामने से ये थोड़े से पॉइंटेड टोज थे। मेरी उंगलियां सामने से थोड़ी सी चौड़ी हैं एंड वो बिल्कुल पॉइंटेड टोज थे क्योंकि सामने से मेरी जो उंगलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा दब रही थी, इस वजह से मैंने उसे रिटर्न डाल दिया। बट मटीरियल की बात करूँ तो नो डाउट कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी मटीरियल है एंड ऑल्सो ये प्राइस पॉइंट से तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। मतलब मैंने इसे अराउंड 800 के आसपास ही लिया था, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ऑल्सो इसका जो कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड ऑल्सो पहनने के बाद कितना ज़्यादा क्लासी लुक देता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप बजट बूट्स चाहते हैं ना तो आप मस्ट एंड हार्बर के ये वाले बूट्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इन बूट्स को परचेज़ किया है एंड दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड रेड टेप। ये ब्राउन कलर के बूट्स हैं एंड इन्हें मैंने 1270 रुपीज़ में परचेज़ किया था। आपको इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई लग सकती है लेकिन ट्रस्ट मी, जो ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ना बिल्कुल अपने प्राइस को ये जस्टिस करते हैं। इसमें आपको थोड़ी बहुत हील भी देखने को मिल जाएंगी एंड ऑल्सो ये थोड़े से पॉइंटेड टो में हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको हाइट प्रोवाइड करते हैं। ये बूट्स एंकल हाई बूट्स हैं, इस वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं एंड ऑल्सो आपको एंकल पे काफ़ी अच्छी बेल्ट की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। बेल्ट जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बकल डिज़ाइन भी देखने को मिलता है एंड ऑल्सो नीचे की तरफ आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। मटेरियल नो डाउट कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी मटेरियल है। साइड में आपको जिपर क्लोजर देखने को मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा फ्री है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी लगाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बूट्स लगे मुझे ये एंड ऑल्सो आपको इन बूट्स में ना अंदर की तरफ थोड़ी बहुत कुशनिंग भी देखने को मिल जाती है, इस वजह से भी आपको अपने पैरों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, शू बाइट्स आपको नहीं लगेगी। इनकी हील स्टर्डी होने के साथ साथ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। आप बिल्कुल किसी भी बूट्स के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उनमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं मिलेगी। बूट्स में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है लेकिन कंपैरेटिवली इसमें काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ है चलने के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप भी देखने को मिल जाती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये बूट्स लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहे थे, इसीलिए अगर आप इन बूट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप उसमें एक साइज़ बड़ा परचेस करें अच्छे फिट के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ अच्छे बूट्स चाहते हैं ना ब्राउन कलर में तो आप इन बूट्स को परचेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं अपने इन बूट्स के बारे में बात करूंगी फ्रॉम ट्रफल कलेक्शन, एंड इसे मैंने नायका फैशन से ऑर्डर किया था अराउंड 1300 रुपीज़ में। ये स्यूड मटेरियल है एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लॉक्ड हील्स आपको देखने को मिल जाती हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बल्की लुक देते हैं। इसके दोनों साइड में आपको जिपर क्लोजर देखने को मिल जाता है, बट जो गोल्डन कलर की जिपर है ना वो ओपन नहीं होती, वो सिर्फ एज अ फैशन दिया हुआ है। एंड जिपर की एंडिंग में आपको कुछ सर्कुलर डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जिसमें कुछ टैसल लगा हुआ है। नाउ ट्रफल कलेक्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है, बट ये बिल्कुल उस तरह के बूट्स हैं जो कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, बिल्कुल ये उसी तरह के हैं। मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं आए क्योंकि ये बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है। हाँ, चलने के बाद ये ज़रा भी आवाज़ नहीं करते, बट चलने के बाद इसमें कोई ना कोई मेरे को कमी लगती है क्योंकि इसके अंदर ज़रा भी कुशनिंग नहीं है एंड ये पैरों पर बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगते मुझे। एंड ऑल्सो इसे मैंने सिर्फ दो बार ही पहना है एंड उसके बाद ये बिल्कुल ही यूजलेस हो गए हैं, इसीलिए ये वाले बूट्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं आपसे अपने इन बूट्स के बारे में बात करूंगी एंड दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड 20 ड्रेसेस। ये नायका की खुद की ब्रांड है एंड ये कुछ लेदर बूट्स हैं ये ब्लैक कलर में। इन्हें मैंने 1100 रुपये में परचेस किया था एंड सामने बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेसेस हैं। मेरे पास कोई लेसी बूट्स नहीं थे इस वजह से मैंने इनको परचेस किया है। बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मटेरियल लगी मुझे, लेकिन इनकी जो मटेरियल है ना मुझे कुछ गम बूट्स की तरह लगी, जो रबर मटेरियल होती है ना उसी तरह की। ये काफ़ी ज़्यादा मॉनसून अप्रोप्रिएट लगता है मुझे क्योंकि इसके ऊपर ज़रा भी कोई डस्ट या फिर पानी नहीं टिकने वाला है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ लगती है मुझे ये। ऑल्सो इसमें ज़्यादा कुशनिंग वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये जो बूट्स हैं ना इनमें सामने की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल जाता है, इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने से एक साइज़ छोटा परचेस करें। बट मेरे लिए ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे ये खोलने के लिए भी उतना ही ईजी हो जाता है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये वाले बूट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, डेफिनेटली मैं आपको ये वाले बूट्स रेकमेंड करूँगी। इसी के साथ मैंने ये वाले बूट्स भी परचेस किए थे एंड ये ट्रेस ब्रांड से हैं जिन्हें मैंने 750 रुपये में परचेस किया था। एंड इसे मैंने इसलिए परचेस किया था क्योंकि इसमें मैंने कस्टमर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई देखी थी एंड ये अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर आइटम था। बट मुझे समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि कस्टमर रेटिंग देख के जब मैंने इस बूट को परचेस किया तो मुझे लगा शायद इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी एंड ऑल्सो मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बट घर पे लाने के बाद मैं इससे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, प्राइस पॉइंट से मुझे ठीक लगे, चलने के बाद ये आवाज़ भी नहीं करती, लेदर भी मुझे ठीक ठाक ही लगा, पहनने के बाद भी मीडियम कम्फर्टेबल था ये, बट इसकी फिनिशिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। आप पिक्चर्स में ही देख सकते हैं कि इसकी सोल भी साइड से बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ कटी हुई नहीं थी एंड ऑल्सो नीचे की जो सोल है वो शायद रबर की बनी हुई थी, इस वजह से ये आवाज़ नहीं करती। सोल को भी मैंने जितना ज़्यादा स्टर्डी समझा था ये उतना स्टर्डी भी नहीं है एंड ऑल्सो बीच बीच में से काफ़ी ज़्यादा ग्लू दिख रहा था, जो कि मैंने ऐसा सोचा था एंड मुझे जिस क्वालिटी के बूट्स चाहिए मुझे डेफिनेटली ये उस क्वालिटी के नहीं लगते। बट प्राइस पॉइंट से ये जो बूट्स हैं ये ठीक ठाक है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपने इन बूट्स के बारे में बात करूंगी फ्रॉम 20 ड्रेसेस एंड ये नायका की खुद की ब्रांड है, बट इसको मैंने मिंत्रा से परचेस किया है अराउंड 1600 रुपीज़ में एंड ये मुझे काफ़ी कम डिस्काउंट में मिला था, बट मैं इसको ज़रा भी रिग्रेट नहीं करूंगी कि मुझे ये इतनी कम डिस्काउंट में मिली है, क्योंकि आप खुद देख के बताओ ये इतना ज़्यादा स्टाइलिश और इतना ज़्यादा क्लासी बूट्स मैंने आज तक नहीं देखा कहीं। ये आपको कुछ ब्लॉक्ड हाई हील में देखने को मिल जाते हैं, इसके साइड में आपको जिपर क्लोजर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्री है एंड बैक में आपको कुछ स्ट्रैप डिटेलिंग देखने को मिल जाती है एंड जहाँ पे ये स्ट्रैप्स ख़त्म होती है वहाँ पे कुछ सर्कल की डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है जो कि गन मेटल टोन में है, इस वजह से ये इतने ज़्यादा ब्यूटिफुल और क्लासी लुक देते हैं। सामने से आपको कुछ इसमें पॉइंटेड टो देखने को मिल जाता है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन आपको देती है एंड आपको काफ़ी अच्छी हाइट प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली ये जो बूट्स है ना इसमें जेन्युइन लेदर फील होता है मुझे इसका मटेरियल एंड ऑल्सो ये पहनने के बाद ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी कम कुशनिंग है, बट नो डाउट कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बूट्स हैं। मुझे प्राइस पॉइंट से ये जो बूट्स हैं ना ये इतने ज़्यादा पसंद आए कि डेफिनेटली इसे मैं ब्लैक कलर में भी परचेस करूँगी।
मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको ये बूट्स पसंद आ रहे हैं ना, तो इसको आपको तुरंत परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब मैंने इसको परचेस किया था उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए एंड बहुत टाइम तक ये स्टॉक में ही नहीं थे। एंड 20 ड्रेसेस एक ऐसी ब्रांड है जो कि मुझे लगता है काफ़ी जल्दी चीज़ों को आउट ऑफ स्टॉक करती है एंड वो जल्दी से रीस्टॉक भी नहीं होती। इस वजह से अगर आपको इनको परचेस करना है ना, तो डेफिनेटली आपको अभी के अभी इसको परचेस कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ मेरी ये हॉल वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।